आइला जावे ए, ए, गड़ी लो, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। क्या बोला? बोल। अरे कुछ नहीं बोला है। अरे बोल भोसड़ी के, क्या हुआ? गाली क्यों दे रहा है? बोला ने बात खत्म हो गई, जाए दे यार, बच्चे बैठे ना, दिखाई नहीं दे रहा। अरे रुक रुक जा बे, चल रुक। अम्मा बैठ, पड़ता 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 भाग भोसड़ी के, देखता हूँ कितनी दूर भागता है। रुका ना, तो पिछवाड़े पे ऐसी लात मारूंगा कि टट्टी करते वक्त ना चीख निकली। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या हालचाल है दोस्तों, मैं हूँ लीवाई और आ गए फिर से वापस हम और एक नई वीडियो के साथ, जहाँ आज हम करने जा रहे सोलो वर्सेस डो इन वीकेंडी। आज का वीडियो भी काफ़ी फनी और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी फनी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना कर सको जो मैं हर हफ्ते लाते रहता हूँ। तो बिना किसी वक्त चौधरी के और समय का चूतिया ना काटते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साले तुमको पता है कि हमारे सामने औकात क्या है तुम्हारी भोसड़ी के? चल भोसड़ी के। और ये भाई साहब काफी जोश में है, और जोश में आते ही पेले गए, और बाकी थे अब इनके पार्टनर, तो चलिए उनको भी पेल देते हैं। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। ये बंदा काफी गलत ही टीपी पी ले रहा था, तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा। असंभव, असंभव बेचोद असंभव। भाई ये नॉक कैसे नहीं हुआ मुझे समझ में ही नहीं आया। यहाँ मैं चुक गया क्योंकि एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं हुई मेरी। गांड फट रही है यार, गांड फट रही है। लेकिन वही दो बंदे मुझ पर रश कर देते हैं, और कैसे पहले जाते हैं देखिएगा आप आगे। दूसरे बंदे को मैंने हेड पे हल्का डैमेज दे ही दिया था, तो मुझ पे ज़्यादा एडवांटेज था, तो मैंने जल्दी से रश करके इसको भी ख़त्म कर दिया। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? मुतने जा रहे हैं, पकड़ोगे? तो भैया ये शायद तक बॉट था, तो चलते हैं उस टावर वाले बंदे के साथ। लेकिन उससे पहले मेरे साथ कितना बड़ा स्कैम होता है ये देखिएगा आप। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा पिंग हाई हो गया था, और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। अबे साले कभी। गाइस इस जहर स्प्रे के लिए तो एक लाइक तो बनता है यार, तो लाइक जरूर कर देना। को पैसा बर्बाद बहनचोद। उस गाड़ी वाले बंदे को मेरी एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको एंगल बना के मारा जाए। तो देखिए उसको अब कैसे मारते हैं। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। इस बंदे को खत्म करने के बाद मेरे सामने रहता है और एक बंदा, जिस पे मैं मौली फेंकने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो कहाँ जाके गिरती है आप देखिए। साले विधायक में हाथ उठाता तुम।
तभी मुझे राइट से और एक बंदे की फुटस्टेप आती है, तो चलिए उसे भी पेल देते हैं। बाद में गोली मार दूंगा, एयर ब्लाइंड बोल रहा हूं। ये बंदा शायद अलग था, इसका पार्टनर और बाकी के दो अलग बंदे अभी भी जिंदा थे, तो चलिए उनको भी पेला जाए। अगर सही समय पे मैं भी अंदर नहीं आता तो शायद ये भी मुझे मार देता, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको थोड़ा फ्लैंक करके मारा जाए। तो मैं आता हूँ और इसे पेल देता हूँ। तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो सीमेंट फैक्ट्री में घमासान लड़ाई होने के बाद मैं गाड़ी लेके यहाँ पर आ गया और सोचा क्यों ना चिकन डिनर भी किया जाए, अच्छा मैच जा ही रहा है तो, क्योंकि मेरे पास थी M24 और उस पे था ऊपर से 6x, तो मैं यहाँ पे आके लेट गया और बंदे स्पॉट करने लगा। लेकिन अब मेरे साथ ही क्या होता है आप ही देखिए। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ लिवाय साइनिंग ऑफ़।